सुन हो गया, बंद 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 हमें। बाय पापा। अनु आयु जल्दी करो बेटा, बहुत लेट हो रहा है। आए पापा, आ जाओ जल्दी। अरे आ गए माँ। ये मम्मी फाइनली इतने देर बाद जा रहे हैं हम लोग घूमने। हाँ तो चलो, अपना मास्क वोस्क सबने ले लिया है ना? हाँ, सैनिटाइजर भी बैग में रख दिया। चलो आ जाओ। गाड़ी रोकना मम्मा। क्या हुआ बेटा? अब हम चल सकते हैं। आंटी डस्टबिन किधर है? इधर है। नाश्ता खत्म करो बेटा जल्दी। हाँ मम्मी। मम्मा कितनी हरियाली है इधर, नेचर कितना सुंदर है। मजा ही आ गया आज तो। हाँ बेटा, तुमको तो नेचर बहुत पसंद है। मुंबई में हम ये सब बहुत मिस करते हैं। वही तो बेटा, शहरों में इतना पोल्यूशन, इतना भीड़ भाड़, तो ये सब कहाँ मिलता है वहाँ पे। हो गया तुम लोगों का बेटा, और कुछ चाहिए? हो गया बस, मेरा तो पेट भर गया, इतना मजा आया। तो चलो ठीक है, मैं किचन का काम निपटा लेती हूँ। क्या आई तेरा फेवरेट पार्ट क्या था? मेरा तो वाटरफॉल था, इतना मजा आया था ना। हाँ मेरा भी सेम था यार। ये नहीं तो कितना मजेदार है, ये सब मुंबई में मिलता ही नहीं, अगर रहता तो। चल मैं भी जा रही हूँ। ये आयु भी ना कहीं भी कुछ भी फेंक देती है। इसे समझाना पड़ेगा कि हमें कहीं भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। ये हमारा घर है, ये हमारा एनवायरनमेंट है, हमें इसे हमेशा साफ रखना चाहिए। मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा। वापस गलत हो गया। आयु चल पौधा लगाने चलते हैं। अरे यार इतना कौन करेगा, छोड़ना। अच्छा बेटा, जिसकी छाव में तू बैठी वो भी एक पौधा ही है। और हाँ, जो ये तू बर्बाद करी है ना पेपर, ये भी पौधों से ही बनता है। और जो ऑक्सीजन तू आराम से खुले आम ले रही है, वो भी तो पौधों से ही मिलता है। अच्छा ठीक है बाबा, चल। अरे क्या कर रही है अंशिका, तो मेरे को गंदा क्यों कर रही है? देख रही है इतनी मिट्टी लग गई है मेरे हाथों बातों में। ओहो मैडम जी, जब मैं तुझ पे ये गंदगी डाल दे रही हूँ या मिट्टी डाल दे रही हूँ, तुझे बहुत गंदा लग रहा है। लेकिन जब तू वो पेपर फेंकती थी, प्लास्टिक फेंकती थी नेचर में, तो नेचर को गंदा नहीं लगता? नेचर हमारा घर है, अगर तू उधर ही अपने हिसाब से सामान फेंकेगी तो कैसा रहेगा? भैया मैं तुझ पे फेंकी तुझे इतने में ही बुरा लग रहा है, तो सोच हमारे प्रकृति को कैसा लगता होगा, हमारी नेचर को कैसा लगता होगा। अगली बार जब भी तू कोई भी प्लास्टिक या कोई भी चीज़ फेंकी है नेचर में, तब ये जरूर सोचना और खुद से पूछना कि मैं सही कर रही हूँ कि गलत।
सॉरी अनु, तूने मुझे अभी रियलाइज किया, हम लोग को इतना बिल्कुल गंदगी फैलानी नहीं चाहिए। मैं अब आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी, मैं ना ही खुद करूंगी ना ही किसी और को करने दूंगी। थैंक यू सो मच अनुष्का। अभी चल, ये प्लांट को भी रखना है ना अच्छे से। मजा आ रहा है ना? अनु भाई, ये देखो मैं तुम्हारा फेवरेट ओरियो लेके आई, मुझे पिंक वाला देना। तो और कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे आके तुमको? मजा आई? रूम में आप भी खाओ, इसको भी खाना है। यू क्या कर रही है अंशु, तुम मेरे को गंदा क्यों कर रही है? अरे वाह आयु, तुम भी अपना पैकेट डस्टबिन में डाल के आई, क्या बात है। अभी मेरी दोनों बेटियां बहुत समझदार हो गई हैं और अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। हाँ मम्मी, हमें कहीं भी कचरा नहीं फेंकना चाहिए। मैं ये बात समझ गई हूँ और मैं मेरी जिम्मेदारी निभाऊंगी। हाँ दोस्तों, ये जो मोदी जी ने मुहिम उठाई है ना, ये एक आदमी से नहीं होगा, ये हम सब मिलके ये मुहिम को पूरा करेंगे, तभी हमारा भारत स्वच्छ रहेगा। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। तो आप भी अभी कभी कचरा ना तो फेंके रोड पे और ना तो किसी को फेंकने दें। हाँ अगर आप अग्री करते हो मम्मी के साथ तो जरूर लाइक कर देना और सभी को हमारा वीडियो शेयर करना, जिससे बाकी सब भी समझ जाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हाँ गाइस, और अच्छे वीडियोस के सब्सक्राइब कर दो और 1 मिलियन तक पहुंचा दो। और हाँ गाइस, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, सब टीजर्स ब्लूपर्स सब चीज़ों के लिए आपको तो पता ही है। तो मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।